क्वेश्चंस करते हैं। हाँ ये आपको हैंड आउट मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, कॉपी होके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें कुछ एरर्स दिए हुए, आप इनकी हमें करनी है करेक्शन। तो इस तरह से हम 3 कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम बना लेते हैं, एक ओरिजिनल एंट्री का, रॉन्ग एंट्री और फिर करेक्शन। अच्छा, ओरिजिनल एंट्री का मतलब जो बननी चाहिए थी, रॉन्ग जो हमने बनाई, और फिर उसकी करेंगे करेक्शन, जो हमारा मेन टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में एरर 1, एरर ए क्या लिखा, परचेज ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट फॉर 619 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम आवर बुक्स। एरर आ गया, ऑमिशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी एंट्री होगी क्या वैसे, कि ओरिजिनल एंट्री होगी क्या, बननी क्या चाहिए, अच्छा मशीन डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, तो होगी इसकी ओरिजिनल एंट्री जो बननी चाहिए थी। अब हमने बनाई क्या, रॉन्ग हमने क्या बनाई, रिकॉर्ड करना भूल गए, चलो रिकॉर्ड करना भूल गए, इट मीन्स रॉन्ग एंट्री बनी नहीं इसकी, रिकॉर्ड करना भूल गए। ओके, अब जब याद आएगा तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अब करेक्शन क्या होगी, कि जब हमें याद आएगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वही एंट्री बन जाएगी, मशीन डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अच्छा, ये सबसे आसान है, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो जब याद आया उसको रिकॉर्ड कर लें। सेकेंड, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर 550 एड बिन एंटर्ड इन एरर ऑन ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। दोबारा पढ़ते, परचेज ऑफ कंप्यूटर, इसकी एंट्री होगी क्या वैसे, कंप्यूटर या इक्विपमेंट डेबिट और कैश या बैंक, तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, तो आप कैश लिख लें, बैंक लिख लें, एक ही बात, ठीक है। पेमेंट लिख लेंगे तो फिर गलत नहीं, वो ऑरिजिनल हो गई, इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, ये तो होगी ओरिजिनल तो बननी चाहिए थी। अब हमने बनाई क्या, आगे बढ़ते हैं, हैड बीन एंटर्ड इन एरर ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, तो रॉन्ग एंट्री क्या बनी, पढ़ा रहा हूँ, वहां क्या देख रहे, मोबाइल में क्या आ रहा है, तो रॉन्ग क्या होगी, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। अब इसमें एरर क्या हुआ, कि इक्विपमेंट्स को डेबिट करना था, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर लिया गलती से, करेक्शन क्या करेंगे, इक्विपमेंट बस इक्विपमेंट डेबिट कर दे, बस ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दे, और डेबिट बैंक डेबिट क्या, ऑफिस एक्सपेंस आपने कहा, क्रेडिट डेबिट क्या करें, बैंक आएगा, बाकी बताएं, पूरी एंट्री बताएं, बैंक क्रेडिट नहीं, नो दो बनेंगी, ठीक है। नहीं नहीं आप दोनों बताएं, बड़े मसरूफ थे मोबाइल में, दो बनेंगी, दो दो है, तीन बनेंगी उल्टी। नहीं होगा, आपने तीन बताई ना, दो और नहीं, करेंगे भाई, ओरिजिनल का मतलब ये तो बननी चाहिए थी, ये तो हमने बनाई थोड़ी है, बनाई क्या हमने, ये इस वक्त रिकॉर्ड में क्या है, ये एंट्री है, इस वक्त हमारे रिकॉर्ड में ये रॉन्ग एंट्री आ रही है ना, ये तो ओरिजिनल होनी चाहिए थी, बननी चाहिए थी, जो हमने बनाई नहीं, बनाई क्या हमने, ये रिकॉर्ड में इस वक्त क्या रिकॉर्ड हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ है, तो अब इसमें गलती क्या है, ये गलती से डेबिट हुआ है, बैंक को क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ, काम हो रही डेबिट साइड पर, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करें, ये जो ऑफिस एक्सप्रेस गलती से डेबिट हुआ तो क्रेडिट करके कैंसिल करें, क्योंकि आपको पता है डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाता है ना, जितने अमाउंट से आप डेबिट कर रहे हैं
अगर उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दें कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना इफेक्ट। पहले काम तो ये करें जो आपने मिस्टेक की है उसको कैंसिल करें। ऑफ एक्सेस डेबिट हुआ उसको पहले हम यहाँ क्रेडिट करते, क्रेडिट होने से ये क्या होगा कैंसिल, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या डेबिट करना क्या था, इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे। करेक्शन क्या होगी, इक्विपमेंट डेबिट ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन इसको चेक बैंक को तो सही रिकॉर्ड किया ना, बैंक को तो क्रेडिट करना था, क्रेडिट किया तो बैंक में तो कोई एरर नहीं हुआ ना, तो करेक्शन में नहीं लिखेंगे। मतलब तो जो गलत नहीं है तो उसको क्यों लिखें, ये तो सही है ना। बैंक को क्रेडिट करना था, क्रेडिट में हमने रिकॉर्ड कर लिया तो बैंक को तो नहीं छेड़ेंगे। क्योंकि क्या रॉन्ग है इसमें, मैं कौन रॉन्ग नहीं है। हाँ नहीं था तो बैंक तो सही है ना दोस्तों, मैं थोड़ी छेड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो बैंक को क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया तो बैंक अकाउंट को तो नहीं छेड़ेंगे। मिस्टेक हमने कहा की है, डेबिट इक्विपमेंट को डेबिट करना था, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो पहले ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट करके कैंसिल कर दें, और डेबिट क्या करना था तो डेबिट में रिकॉर्ड कर लें। अच्छा अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, देखें ये और रॉन्ग एंट्री जो हमने बनाई और करेक्शन जो हमने की, इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, मर्ज कर लें, तो ओरिजिनल वाला इफेक्ट आना चाहिए, तो उसका मतलब होगा करेक्शन सही हो गई ना। अच्छा देखिए कैसे मर्ज होगा, देखें अब यहाँ हमें ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करना था, ये ऑफिस एक्सपेंस को हमने यहाँ गलती से डेबिट किया है ना, इसको हमने यहाँ क्रेडिट करके कैंसिल, तो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया खत्म, बचा क्या इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट तो भाई ओरिजिनल वाला इफेक्ट आ गया, तो इट मींस करेक्शन हमारी सही हो गई। सही हाँ बोले, नहीं समझ आ गया। ठीक है, तो जो एरर है सिर्फ उसको सही करेंगे, जो सही है उसको नहीं छेड़ना, जो एंट्री सही है उसको नहीं छेड़ना है, जो गलत है उसको सही करेंगे ना। बैंक को तो आपने कुछ नहीं करना। तो नेक्स्ट करते हैं और क्लियर हो जाए। सी क्रेडिट सेल ऑफ 120 एज बीन एंटर्ड इन द बुक्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एज 10, अमाउंट चेंज हो गया ना, ट्रांसपोजिशन है। अच्छा ओरिजिनल एंट्री बता क्या होगी, आज क्रेडिट सेल की एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये तो ओरिजिनल एंट्री जो बननी चाहिए थी। हमने बनाई क्या रिकॉर्ड में, 120 को हमने 102 कर दिया, रॉन्ग एंट्री हमने बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब देखिए एरर क्या हुआ, रिसीवेबल को डेबिट करना था 120 से, डेबिट हमने किया 102 से, ज्यादा अमाउंट से डेबिट करना था, कम से डेबिट किया, तो उसको मजीद डेबिट करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, 8 आ जाएगा, 8 से हम रिसीवेबल को मजीद डेबिट कर देंगे, तो डेबिट डेबिट ऐड हो गया 120 बन जाएगा। अच्छा सेल्स को क्रेडिट करना था 120 से, क्रेडिट हमने किया 102 से, कम से ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट करना था, कम से क्रेडिट किया तो मजीद इसको क्रेडिट कर दें, तो डिफरेंस निकालें 8, 8 से इसको मजीद क्रेडिट, 18, 18 से क्रेडिट करेंगे, दोनों ऐड होकर 120 बन जाए, तो सेम एंट्री बनेगी डिफरेंस। अब देखिए दोनों को कंबाइन करते हैं, रिसीवेबल को हमने डेबिट किया था 102 से, फिर हमने डेबिट किया 18 से, तो डेबिट डेबिट प्लस होते हैं ना, प्लस होके कितने बन गए 120, सेल्स सेल्स क्रेडिट किया हमने 102 से, क्रेडिट किया 18 से, तो क्रेडिट क्रेडिट ये भी ऐड होते हैं, ऐड होके कितने बन गए 120। तो रॉन्ग और करेक्शन को हमने मर्ज किया तो ओरिजिनल वाला इफेक्ट आ गया, तो इट मींस करेक्शन हमारी सही। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट क्रेडिट माइनस होते हैं। तो नेक्स्ट कमीशन रिसीव 164
इन एरर इन द सेल्स अकाउंट, पहले क्या कमीशन रिसीव, तो इसकी एंट्री होगी क्या ओरिजिनल एंट्री, कमीशन रिसीव किया है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, इनकम है, तो एंट्री क्या होगी, इनकम क्रेडिट हो जाएगी, डेबिट कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कैश या चेक की फॉर्म में आएगा, तो कैश या बैंक डेबिट होगा और कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाएगी। यहां हम लिख लेते हैं बैंक, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, मेंशन नहीं है, गलत नहीं है, बैंक डेबिट हो गया, कमीशन इनकम क्रेडिट। ये तो हो गई ओरिजिनल एंट्री जो बननी चाहिए थी, हमने बनाई क्या, अब हमने क्या किया उसको एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट, यानी कि कमीशन को हमने सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। रॉन्ग एंट्री क्या होगी इसकी, बैंक डेबिट सेल क्रेडिट होगी। ठीक है, अब एरर क्या हुआ, देखिए बैंक को तो डेबिट करना था, डेबिट किया तो बैंक अकाउंट तो सही रिकॉर्ड हो गया, बैंक को तो अब आपने नहीं छेड़ा। एरर कहाँ पर, क्रेडिट में, कमीशन इनकम को क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पहले तो पहले सेल्स को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, क्रेडिट डेबिट कैंसिल, और फिर इनकम को, कमीशन इनकम को क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर, तो करेक्शन हो जाएगी सेल्स डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। तो देखिए चेक कैसे होगा, ये सेल्स को हमने गलती से क्रेडिट किया था, ये क्रेडिट, और यहाँ पे हमने करेक्शन में डेबिट किया तो डेबिट क्रेडिट हो गए कैंसिल, बचा क्या बैंक डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट, तो वही ओरिजिनल वाला इफेक्ट आ गया, करेक्शन हमारी सही। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा काम करिए, यहां तक कॉपी कर ले, फिर बाकी यहां तक कॉपी कर ले, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट है कि रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 68 हैड बीन एंटर्ड ऑन बोथ ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड द डेबिट साइड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा क्या लगा, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल, इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाए। अब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, Had been entered on credit side of cash book. देखिए कैश क्रेडिट हुआ एंड डेबिट साइड ऑफ रिसीवेबल, रिसीवेबल डेबिट हो, रॉन्ग क्या बनी, कैश क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट डेबिट, बन गए रॉन्ग एंट्री। ये हो गया आपके क्या, कंप्लीट रिवर्सल, कंप्लीट रिवर्सल हो गई, डेबिट वाला अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट वाला अकाउंट डेबिट हो गया। सब करेक्शन क्या होगी, तो सीधा कर देंगे, एंट्री एंट्री रिवर्स हो गई है तो सीधा कर देंगे, कैश हो जाएगा डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करें, क्या करें, डबल कर दें। अच्छा ये कह रहे हैं डबल से बना लें तो सही हो जाएगा, क्या ख्याल है, देखिए एंट्री आपकी रिवर्स है तो उसको सीधा तो आपने करना है, कैश डेबिट करेंगे रिसीवेबल तभी करेक्शन होगी ना। अच्छा लेकिन अगर 68 से रिकॉर्ड करते हैं तो, अच्छा ये तो समझ आता है ना कि एंट्री रिवर्स है, करेक्शन आपको इसको सीधा करना पड़ेगा, तो करेक्शन क्या होगी, कैश डेबिट और रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट हो। अगर 68 से रिकॉर्ड करें, 68 68 तो हो जाएगा कैंसिल, और अगर डबल कर दें फिर डेबिट बराबर हो जाएगा ना, इट मीन्स करेक्शन हमें करना होगी डबल अमाउंट से। ठीक है, तो करेक्शन इसकी होगी डबल अमाउंट से, एक कैंसिल होगा दूसरा उसको रिकॉर्ड कर। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, तो पॉइंट याद रखिएगा, जब भी रिवर्स होगा करेक्शन आप करेंगे डबल अमाउंट से। इसको देखिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सपोज करें आपके पास कैश का बैलेंस है, पहले कैलकुलेशन से समझा देता हूँ उसके बाद ये अकाउंट बना के समझा दूंगा। कैश
बैलेंस है सपोज आपके पास 1000, ठीक है, और अब आपने कैश सेल्स की है 200 की, 200 की सेल्स आपने की, तो बैलेंस कितना हो जाएगा? तो आपका बैलेंस हो जाएगा 1200 ना, ठीक है। सब आपने क्या किया, एरर क्या किया आपने, बैलेंस था 1000, 200 ऐड करने के बजाय माइनस कर दिया आपने, साइन चेंज हो गया, प्लस करना था माइनस कर दिया, तो बैलेंस कितना आएगा 800। डिफरेंस है कि कितना बन गया, 400 का डिफरेंस आ गया, डबल का अमाउंट 200 है लेकिन इफेक्ट डबल हो गया 400। उसको करेक्शन करने के लिए अब आपको 800 में 400 ऐड करना पड़ेंगे, डबल अमाउंट, तब ये जाकर 1200 बने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ साइन चेंज किया, प्लस को हमने कर दिया माइनस, तो इफेक्ट हो गया डबल, डबल से करेक्शन की तो हमने आंसर सही आया है ना। अच्छा, इसको टी अकाउंट बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पे कैश का बैलेंस है हमारा कितना, 1000, कैश सेल्स हमने किए तो 200 डेबिट होंगे, अब बैलेंस कितना आएगा टोटल 1200, बैलेंस कितना आ जाएगा आपका 1200, ये तो ओरिजिनल हो गया। अब हमने क्या किया, इसको डेबिट करने के बजाय 200 से डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया, अगर साइड चेंज हो रही है ना, तो इसको हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट के बजाय क्रेडिट पे, साइड चेंज हो गई। अच्छा, अब बैलेंस क्या आएगा, 1000 थोड़ी 800 बचेगा ना, अब बैलेंस होना कितना चाहिए था 1200, बैलेंस कितना आ रहा है, तो डबल का इफेक्ट आ गया, तब आपको डेबिट कितने करना होंगे, तो आपको इसे डेबिट करना होगा 400 से, तो अगर हम 400 से यानी कि डबल से डेबिट करेंगे, अब डेबिट का टोटल बनेगा 1400, 1400 माइनस 200 करेंगे तो 1200 आपके पास, ठीक है। फिर अब ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी साइड चेंज होगी तो करेक्शन डबल अमाउंट से करेंगे, तो ठीक है, तो कंप्लीट रिवर्सल की करेक्शन हमेशा डबल अमाउंट से होगी, एक उसको कैंसिल करेगा, दूसरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा, सही। नेक्स्ट एफ, अ परचेज ऑफ गुड्स 372 हैड बीन एंटर्ड इन एरर ऑन डेबिट साइड ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट, क्या लिखा, परचेज ऑफ गुड्स, ओरिजिनल एंट्री बताएं, परचेज डेबिट, कैश या बैंक, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक, टेंशन नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। और रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इसने, एंटर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ ड्रॉइंग्स, परचेजेस को डेबिट करने के बजाय ड्रॉइंग्स अकाउंट्स को डेबिट कर दिया, रॉन्ग एंट्री हो गई, ड्रॉइंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो एरर क्या हुआ, परचेजेस को डेबिट करना था, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक, करेक्शन क्या हो गया, अब ठीक हाँ, तो ड्रॉइंग्स क्रेडिट और परचेजेस डेबिट हो जाएंगे, ठीक, ड्रॉइंग्स क्रेडिट और परचेजेस डेबिट, चेक कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉइंग को गलती से डेबिट किया तो क्रेडिट करके ये डेबिट क्रेडिट ड्रॉइंग्स कैंसिल, बचा क्या, परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट, तो वही ओरिजिनल वाला इफेक्ट आ गया, करेक्शन हमारी सही, ठीक, ओके, कॉपी कर लें। ठीक है।